तो हम लोग रास्ते में जा रहे थे, तो जाते जाते टाइम साधना ने मुझे बताया, तो आप लोग भी काफी उम्मीद कर रहे थे जिस चीज की, मैं भी उम्मीद कर रहा था, आप लोग काफी कमेंट कर रहे थे कि ये प्रेगनेंसी रुक जाएगी, आप लोग भी सोच रहे थे, मैं भी सोच रहा था। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो सभी को राधे राधे। आई होप गाइस आप सभी बढ़िया होंगे। आज है दिवाली, तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। फटाके जलाओ तो आराम से जलाना, ठीक है, खुद को सेफ रखना, बिल्कुल अच्छे से जलाना, ज्यादा लापरवाही मत दिखाना फटाके जलाते टाइम। तो चल रही जूतन की धुलाई, कितने सारे रखे जूता चप्पल, देखो जल्दी जल्दी धो, पूरी छत भी धो गई है। यहाँ पे देखो राहुल भी वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहा है। हेलो सलोनी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। गुड मॉर्निंग राधे राधे। शुभांश जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। गुड मॉर्निंग राधे राधे। देखो गुड मॉर्निंग राधे राधे कर लिया इसने। क्या कह रहा है, हमें फुरियां बोल नहीं गाल पे। अच्छी बात है। शिवांश को ले लो, तनक रोटी खाने है। मम्मी को रोटी खा लेने दो, आ जाओ हमारे पास बेटा। अलमारी में रखा था कपड़ा, वो ये थे पूरा जो खाली होगा अलमारी में धर गए कपड़ा। शिवांश दाऊ थे दादी के संग सो रहे, डरा गई, जल्दी जल्दी धो। देखो हम बैठे जावारी कुर्सी पे, जा साधना ने जोड़ दी थी, लेकिन जहाँ मैं एक चादर डाल के बैठना पड़ा, नहीं तो भी तार चुभ जाए। आज हम जा रहे हैं राधा रानी को लेने के लिए, हम अपने घर में उनको विराजमान करेंगे। हमारे घर में राधा रानी नहीं है, लड्डू गोपाल ही है, तो जहाँ ठाकुर जी हैं वहाँ राधा रानी तो होनी चाहिए ना। मैंने एक ये हेयर वाली किट मंगवाई है, इसमें सारा सब कुछ है, स्पॉन्सरशिप भी नहीं है, तो यूज करूंगा, साधना भी यूज कर लेगी, साधना को भी हेयर झड़ते हैं, रिजल्ट इनका अच्छा आएगा, तो फिर हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कौन सी कंपनी, आप जो भी परेशान हो हेयर से, तो फिर हम उसको बताएंगे भाई आप लोग भी मंगा लेना है, ठीक है। पूरी किट पड़ी है 3000 रुपए की। आज हम ना कार लेके नहीं आए, आज हम जुपिटर से आए, कहे कि ज्यादा शॉपिंग नहीं करना है। देखो हम लोग आ चुके हैं मॉल, आज काफी भीड़ है दीपावली की वजह से। यहाँ से साधना देख रही है अपने लिए जूती, मास्क तो हटाओ पहले, तभी तो पता चलेगा कैसा लग रहा है। एक बैड न्यूज है, उसी के कारण हम लोग राधा रानी को आज लेने नहीं जा पाए, हम घर पे जाके बताएंगे आपको। फिलहाल अभी मॉल में साधना ले रही है यहाँ से कपड़े, अच्छा लग रहा है, कैसा कलर है हमारे पास, ये अच्छा लग रहा है उससे। फाइनली फाइनली अब जाके साधना की शॉपिंग कंप्लीट हुई है। साधना ना बहुत ज्यादा सैड हो गई थी, तो मैंने कहा शॉपिंग कर लो, थोड़ा बहुत इसका मूड जो ऑफ था वो ठीक हो जाएगा। ठीक है मूड, ठीक है, नहीं है, दिमाग खराब हो रखे हैं इनके। मुझे लगे लाइन में कितनी भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है आज। हमें कमेंट कर रहे थे कि हम पुणे से आएंगे, अभी के जो ब्लॉग्स हैं वो अपनी बड़ी टीवी पर देखते हैं, पुणे में रहते हैं हम लोग, बाय प्रोफेशनली मैं साइंटिस्ट हूँ, इन लोगों से इतना प्रेम है क्योंकि एक तो हमारी सिटी से जो भाषा है एकदम देसी फील आता है, बहुत अच्छे लोग हैं, बिल्कुल सहज हैं और इतना प्रेम है इन लोगों में। नीलू शर्मा मेरी वाइफ, मेरा बेटा, बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग पुणे में बैठ के अपनी बुंदेलखंड की लैंग्वेज में सब आप लोगों को सुनते जैसे फील होता है कि हम लोग झांसी में ही बैठे हुए हैं। कितनी बढ़िया फैमिली है, पुणे से भैया आए हैं ना, तो अभी इन लोगों की बातें चल रही हैं, काफी टाइम से वेट किया भैया ने। फाइनली शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, अब बहुत ज्यादा टाइम लग गया बिलिंग में क्योंकि आज बहुत ज्यादा भीड़ थी इस वजह से, तो चलो अब चलते हैं घर। देखो हम लोग घर पे आ चुके हैं और साधना दिखा रही है अपने कपड़े। देखो ये साधना ने खरीदी है जूती, जे आप कुआ पे पहन जाओ। देखो ये साधना जैसा स्टॉल ओढ़े है ना वैसे ही है, एक ये वाली कुर्ती है और एक ये वाली कुर्ती है, ये लॉन्ग स्वेटर है एक। मैं तो जा रही डांगरी ले आई। डांगरी तो बच्चन की याद मम्मी। रेड कलर की लेगी है, ये पीली भी लेगी है, ये वाली लेगी है। गाइस बस यही शॉपिंग करी है साधना ने। टे टे जो देखो भाई साहब, पापा और राहुल गए थे ये लोग सामान लेने के लिए घर का। हाँ जी पापा जी, कहाँ गए थे? सामान लेने। सामान लेने। पापा राहुल को डांट रहा है कि नारियल तो छोड़े आओ, राहुल भी कह रहा है कि ध्यान नहीं रही तो छूट गए नारियल। राहुल ने आते ही साथ पहले मम्मी को नारियल दे दिया और भूल गया, कह रहा कि दुकान पे छूट गए। पापा डांट रहा है, कह रहा है जाओ उठा के ले। ये सामान आ गया है, मम्मी निकाल रही बोरी में से, ढंग से निकालियो नहीं तो कौन चीज छूट जाए बोरी यही में। घर को नन्या। हाँ राजन, जैसे कि मैंने कहा था कि एक बुरी खबर है, मैंने मॉल में आपको बताया था, तो हम लोग रास्ते में जा रहे थे, तो जाते जाते टाइम साधना ने मुझे बताया, तो आप लोग भी काफी उम्मीद कर रहे थे जिस चीज की, मैं भी उम्मीद कर रहा था, आप लोग काफी कमेंट कर रहे थे कि ये प्रेगनेंसी रुक जाएगी, आप लोग भी सोच रहे थे, मैं भी सोच रहा था, बट गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, साधना के पीरियड आ गए हैं और अब हमें IVF ही करवाना पड़ेगा और बस ये लास्ट ही था, सोच रहे थे कि भाई प्रेगनेंसी हो जाए और रुक जाए और
सब ठीक हो जाए, बट जो भगवान को मंजूर है वही होगा और जो भगवान ने लिखा होगा वही होगा। तो मैं ज्यादा नहीं सोचता हूँ और ना ज्यादा मैं टेंशन लेता हूँ, मैं तो भगवान पे सब कुछ छोड़ता हूँ, जो भगवान को करना होगा वही होगा और जो भी होता है मैं तो अच्छा सोचता हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा, भगवान ने कुछ ज्यादा अच्छा सोचा होगा इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। अगर परेशानी भी जीवन में आती है तो पॉजिटिव तरीके से लो, ये सोचो कि शायद कुछ अच्छे के लिए परेशानी आई है कि नहीं। तो जीवन में सबके परेशानियां आती है बट हमें उनसे लड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं नहीं सोच रहा हूँ ज्यादा जो भी, और बस यही है कि अब IVF का प्रोसेस इसका चालू हो जाएगा 2nd डे से। तो कल तो मैम रहेंगी नहीं मेरी बात हुई, क्योंकि कल दिवाली है, दिवाली के अगले दिन से इसकी IVF का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अब भगवान से इस चीज की प्रे करना, IVF करवा रहे हैं हम लोग तो वो सक्सेस हो जाए और सब अच्छे से हो जाए। बस 3-3 महीने भी ऊपर हो जाते थे इसके, तो पहले भी यही हुआ हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से ही, और इस बार भी यही हुआ होगा हार्मोन डिसबैलेंस है ना इसके, क्योंकि तभी ना तो किट में आ रहा था और ब्लड वाली भी हमने कराई थी। तो खैर छोड़ो, जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा आगे अच्छा ही होगा। सो आप लोग अब बस भगवान से यही प्रे करना कि सब आगे अच्छे से हो जाए और सब बढ़िया तरीके से हो जाए, क्योंकि इसमें ना जो हम लोग IVF कराने वाले हैं इसमें ना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत परेशानी सहनी पड़ती है इनमें। सारा सब कुछ बताते जाएंगे, आपको दिखाते जाएंगे, बस ये है कि सब इजिली तरीके से सब आराम से हो जाए। तो ये चीज की आप भगवान से प्रे करना। अभी मैंने जोमेटो से खाना मंगवाया, 3 सब्जी हैं, अचार है, सैलेड है, चावल है और रोटी है। एक्चुअली क्या है ना कि अभी आज सब्जी बची नहीं घर में, तो एक्चुअली आज क्या है ना सब्जी बची नहीं, तो सब्जी तो है आलू की बनी सो मीठी लग रही सो नहीं खाई खाऊ। अच्छा, तो सब्जी आज ज्यादा खास बनी नहीं, तो मेरे साथ ना को परेशान नहीं किया मैंने, खामो खा इसको बनाना पड़ेगा खाना अभी रात को, तो मैंने मंगवा लिया ऑनलाइन। तो चलो करते हैं अपना डिनर। देखो गैस लगाओ, परो परो फोन चलावे। भाई साहब 4 साल में जो नहीं भाव वो देखो आज हो रहा हो। साधना पहली बार पढ़ाई कर रही, देख लगी यार है। हम दूध हमें ही लगता ही ठीक है। दूध को हिसाब किताब लिख रही जे, मम्मी दे गई इन्हें जो रजिस्टर, दूध को हिसाब किताब लिख दो, जो डेयरी को काम कर रही अच्छे से चढ़ा जो दूध, नहीं तो कौन को कितने को कितने लिख दो, सही से लिखियो, सही से लिख रहे नहीं तो मम्मी फिर डांटे। साधना दिखा रही अपने कपड़े, ए जूती का इधर है, दे जूती हटाओ जी। अरे नहीं है। अच्छा नहीं है, ए रखो 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 यार ब्लॉग में दिखाना है, रखो। तो करते हैं आज की वीडियो खत्म। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज गाइज वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, सभी को राधे राधे।